अगली खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां लोगों को दूरस्थ क्षेत्र में भी जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मोरी ब्लॉक के सांकरी तालुका मोटरमार्ग पर गियागाड़ में अस्थायी पुल बह जाने से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ग्रामीण लकड़ी के लट्ठों के सहारे नदी पार कर रहे हैं। और यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग की ओर से ब्लॉक के दूरस्थ गांव ओसला, गंगाड़, पवाड़ी सहित ढाटमीर और समस्त दूरस्थ गांव को जोड़ने के लिए जियानगाड़ में अस्थायी लकड़ी का पुल बनाया गया था। यह पुल 4 दिन पहले भारी बारिश के चलते बह गया था। उसके बाद से ग्रामीणों को नदी पर लकड़ी के लट्ठे बिछाकर सफर करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी राजपाल रावत का कहना है कि पीएमजीएएसवाई का विलाब में लंबे समय से सड़क का निर्माण कर रहा है, लेकिन आज तक एक भी पक्का पुल नहीं बन पाया है।